दोस्तों, कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती को लेकर के जो है कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, जिसमें से कुछ डाउट्स आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर भी देखे होंगे, जैसे कि क्या हम दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, एडमिट कार्ड जो है वो सबका आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके अलावा पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है या फिर नहीं रहती। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि सर, एज रिलैक्सेशन जो है वो किस प्रकार से मिलता है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है और EWS सर्टिफिकेट है वो कौन सा चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे डाउट्स जो है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों का भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा, तो इसको एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही जो है, अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम नाविक वैकेंसी के ओवरव्यू को लेकर के बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके जो कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपके 8 सितंबर से शुरू हो जाएंगे सुबह 11 बजे से, ठीक है। और दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने के लिए, ये आपके 22 सितंबर रहने वाली है। तो आप लोग जो है इसके लिए वक्त रहते अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में देखा जाता है कि सर्वर डाउन हो जाता है वेबसाइट का और काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब बात की जाए एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। यहाँ पर जो है SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो है कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि कोस्ट गार्ड नाविक GD, DB और यांत्रिक में जो है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है या फिर नहीं कर सकती, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी डाउट आ रहे हैं कि सर, इसका एडमिट कार्ड कब तक देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों, जो एडमिट कार्ड है वो आपको नवंबर के सेकेंड वीक के बाद देखने को मिल जाएगा, और जो इसका एग्ज़ाम है वो नवंबर मिड से लेकर के नवंबर एंड तक होगा, ठीक है। यानी कि इस दौरान आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि आपके पास में अभी 2 से 2.5 महीने बचते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का जो है डाउट रहता है एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन में। तो दोस्तों, कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन यानी कि नाविक GD, DB और यांत्रिक के लिए जो एज रहती है वो आपके 18 से लेकर के 22 साल के बीच में रहती है, ठीक है। और इस बार जो है कोस्ट गार्ड ने जो इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट रखी है वो आपके 1 मई 2001 से लेकर के 30 अप्रैल 2005 के बीच में रखी है। तो अगर आप लोगों का जन्म इन दोनों डेट्स को या फिर इन दोनों डेट्स के बीच में हुआ है तो आप लोग जो है इस बार की एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अब बात आती है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, कि OBC, SC और ST को एज रिलैक्सेशन जो है वो किस प्रकार से मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग जो है कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही जो है पैरा नंबर 3 में नोट पॉइंट में देख सकते हैं, वहां पर आपको दिया गया है कि आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो तभी दिया जाता है जब वहां पर SC, ST और OBC के लिए कोई पोस्ट रिजर्व हो, ठीक है। अगर कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है तो वहां पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, अगर बात की जाए टोटल वैकेंसीज को लेकर के, तो दोस्तों इस बार जो आपकी नाविक GD, DB और यांत्रिक के 01/2023 बैच के लिए टोटल पोस्ट जो डिक्लेयर की गई है वो टोटल 300 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें से 225 पोस्ट जो है वो नाविक GD के लिए रखी गई है, 40 पोस्ट जो है वो नाविक DB के लिए रखी गई है, और यहाँ पर 30 पोस्ट जो है वो यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला करके रखी गई है, ठीक है। और कंपटीशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर होने वाला है, तो अपनी तैयारी भी जो है आप लोगों को उसी लेवल पर करनी होगी। इसके बाद में दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के जो है कुछ कॉमन डाउट्स हैं, जो कि मैं आप लोगों को ईजिली समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग जो है उनको देखिएगा। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने जो है कमेंट करके पूछा है कि क्या सर, हम दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, क्लियर कर लीजिए कि एक कैंडिडेट जो है वो केवल और केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे आप नाविक GD के लिए अप्लाई कर लीजिए, नाविक DB के लिए अप्लाई कर लीजिए या फिर यांत्रिक के लिए, लेकिन आप जो है केवल और केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सोच समझ करके जो है अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपको ही फाइट यहाँ पर करना है। अब दोस्तों, बात आती है आपके EWS सर्टिफिकेट और साथ ही जो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो दोस्तों, आपके पास में जो है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC, SC और ST का, अगर आप लोग जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और साथ ही जो है आपके पास में डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो प्रिंटआउट वाला डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए, जिसके ऊपर बारकोड बना हुआ हो, ठीक है, क्योंकि बाद में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई भी किया जाता है।
अब अगर बात करें आपके EWS सर्टिफिकेट को लेकर के, तो दोस्तों आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 का होना चाहिए, यानी कि मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। आप लोग एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि EWS सर्टिफिकेट जो है वो हर साल रिन्यू होता है, तो अगर आप लोगों के पास में EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों 2022 का जो EWS सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को सेंट्रल लेवल पर बनवा लेना है, ठीक है। और वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और फॉर्म जो है वो आपके अप्लाई होना शुरू होने वाले हैं, तो दोस्तों वक्त रहता है इसको बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में जो है आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इससे पहले भी जो है मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताया था कि आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है और आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। उस टाइम जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने जो है इस चीज़ को मजाक में ले लिया था, लेकिन अब जो है आप लोगों को एकदम सीरियस हो जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि कोस्ट गार्ड नाविक के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती, तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आपके नाविक एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों एक और डाउट यहाँ पर आता है कि हम लोग जो है फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में जो हमारी क्वालिफिकेशन मार्कशीट है, जैसे कि क्लास टेंथ की मार्कशीट हो गई और इसके अलावा जो ट्वेल्थ की मार्कशीट हो गई, उसकी फोटोकॉपी अपलोड कर सकते हैं या फिर जो है डिजिटल लॉकर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या फिर नहीं, तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आप लोगों को जो है यहाँ पर ओरिजिनल स्कैन कॉपी ही अपलोड करनी है अपनी ओरिजिनल मार्कशीट की, ठीक है, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है उसको स्कैन करके जो है आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है, क्योंकि अगर आप लोग जो है फोटोकॉपी या फिर जो है डिजी लॉकर की मार्कशीट को अपलोड करते हो तो यहाँ पर जो है आपका कैंडिडेटचर जो है कैंसिल किया जा सकता है या फिर जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपके नाविक के एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट को लेकर के, कि जो एडमिट कार्ड है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कोस्ट गार्ड ने जो है अपने नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को नवम्बर मिड के अंदर देखने को मिल जाएगा, नाविक GD DB और यांत्रिक का। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेज वन का ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो आपका मिड ऑफ नवम्बर से लेकर के एंड ऑफ नवम्बर के बीच में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं कि ये आपके नवंबर एंड में ही होने वाले हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर एंड में हो सकता है। और दोस्तों अब अगर हम बात करें कि इसका जो स्टेज टू है वो आपका कब होगा, तो स्टेज टू जो है वो आपका मिड ऑफ जनवरी से लेकर के एंड ऑफ जनवरी 2023 के बीच में होने वाला है, ठीक है, और स्टेज थ्री जो है वो आपका अप्रैल मई 2023 में होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि सर हाइट क्या रहती है, इसके अलावा जो है चेस्ट वगैरह क्या रहती है, तो दोस्तों आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, तो हाइट का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, सभी कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो क्लियर पर हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप लोगों को सारे नोट्स और PDFs वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।